क्या परेशानी है जिसे धुएं में उड़ा रहे हो? एक्चुअली ऑफिस के कुछ इश्यूज वगैरह थे, उसकी वजह से थोड़ा सा। तो ऑफिस के इश्यूज सॉल्व करने में तो सारा दिन ही लग गया होगा ऑफिस। जी। बचपन में सिखाया सबक भूल गए उसके खातिर? झूठ बोल रहे हो माँ से? क्या हो गया? आप इतना गुस्सा कर रही हैं, मैं समझा नहीं। यही तो मसला है कि तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। सारा दिन उसके साथ होटल के कमरे में गुजार के और कह रहे हो कि तुम ऑफिस के इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे थे। हो गया ऑफिस का काम? सुलझ गए सारे मसले या अभी और कुछ बाकी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए रोज तुम्हें वहां जाना पड़ेगा? ऐसा करो, अपना ऑफिस वहीं शिफ्ट कर लो ताकि प्यार और काम साथ साथ चलता रहे। बहुत से माँ, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करना चाह रहा हूँ। क्यों, तुम कोई खुदाई फौजदार हो या उसका ठेका लिया हुआ है? या फिर यूं कहूं कि बंद कमरों में खुले फैसले हो रहे हैं तुम दोनों के दरमियान? भाकल हमले माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? जिसकी बहू अपने शौहर के साबिका अफेयर की वजह से घर छोड़कर चली गई है, वो कैसे पॉजिटिव हो सकती है? माँ, दिलनशीन को कैसे पता कि महमल कहाँ है? और दिलनशीन ने तुम दोनों को खुद होटल में कमरे में जाते हुए देखा है। रोती हुई गई है यहाँ से, क्या सोचेंगे उसके घर वाले हमारे बारे में? क्या राय कायम करेंगे कि हमारी बेटी को ब्याह के तो ले गए लेकिन बसा नहीं सके? हाँ, क्या कह रही है वो? क्यों आ गई है घर छोड़ के? अम्मी, हैदर भाई अपने किसी कजन के साथ इन्वॉल्व। आज दिलनशी अपनी आंखों से उन दोनों को होटल में देख कर आई है। तो क्या हुआ? हैदर भाई प्यार नहीं करते हैं दिल से, वो सिर्फ जिम्मेदारी समझ के इस रिश्ते को निभा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो दिलनशीन को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और निभा भी रहा है। ऐसे मर्द बहुत नायाब हैं आज के दौर में, औरत को अपनी जिम्मेदारी समझे। तुम्हारे नसीब में ऐसा निभाने वाला शौहर आया, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा शौहर किसी और को चाहता है और आप चाहती हैं कि मैं शुक्र अदा करूं? हाँ, क्योंकि रब शुक्र अदा करने वालों को और भी नवाजता है। क्या पता कल को वो अपनी जिम्मेदारी प्यार से निभाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, हैदर ने अपनी जवानी महमल के प्यार के रोग में गुजार दी है। और तुम वो लड़की हो जिसने ऐसे शख्स के दिल में किसी और को अपनाने की सोच जगाई है, इसमें तो और भी खुश होने की बात है। लड़की का शौहर किसी और को चाहे, फिर भी लड़की अपना घर बसाए, उसका शौहर किसी और के पास से लौटकर उसके पास आए, तो लड़की को खुश होना चाहिए। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? यही दुनिया का दस्तूर है जिस पर चलना औरत की मजबूरी है, क्योंकि औरत में ना दुनिया से लड़ने की हिम्मत होती है ना ही दस्तूर को बदलने की। एक दो दिन रुको, उसके बाद अपने घर वापस जाओ। इसे समझा दो, लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अम्मी इतनी सख्त क्यों है भाभी? अम्मी तुम्हारे भले के लिए कह रही है दिलनशी। बेटियों के बुरे में ही भला क्यों नजर आता है माँ को?
यावर, मेरे ख्याल से आपको हैदर भाई से बात करनी चाहिए। से बात करने से पहले मुझे दिलनशी से बात करनी है। दिलनशी से क्या बात करेंगे आप? यावर, फोन दो मुझे। मैंने कहा फोन दो मुझे। फोन नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलना दिलनशी मुझसे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाई? अगर फोन नहीं है तुम्हारे पास तो रब्ता कैसे हुआ हमजा से? आपसे किसने कहा है कि मेरा रब्ता हुआ है हमजा से? तुम अपने शौहर का घर छोड़कर आई हो तो वजह जरूर हमजा ही होगा। क्यों ऐसी वजह ढूंढ रहे हैं जिस वजह का कोई वजूद ही नहीं? वजह वही है, तुमने हैदर को दिल से कबूल किया ही नहीं है, तभी जरा सी बात पर बहाना बनाकर तुम यहां चली आई। जरा सी बात? औरतों के लिए ये बड़ी बात नहीं है। जिस बात पर मर्द औरतों की जान ले लेते हैं इज्जत के नाम पर, मर्दों के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं। अपने दिमाग से ये सारी खराफात निकाल दो तो घर बसाने में आसानी होगी तुम्हें। अच्छा लगा आपको? ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, और ये सब आपके लिए। ध्यान से। थैंक यू अंकल। खेलो जाके। तुम बदल गए हो हैदर। वक्त ने बदल दिया है यार। शिकायत वक्त से नहीं, गिला तुम से है मुझे। तुम अब मुझसे गिला नहीं कर सकती, यह हक खो चुकी हो। जिसको यह हक हासिल है वो घर छोड़ के चली गई है। मुझे और तुम्हें एक साथ उसने इस होटल में देख लिया उस दिन। फिर तो बहुत सी कहानियां भी बना ली होंगी उसने। रात भर पूरे ख्वाबों ने डराया भी होगा उसे। इसलिए सोचा है कि अब उसका डर खत्म कर दूं। कैसे? उसके घर जा रहा हूं उसे मनाने, और शायद पा न सकूं तुम्हारे पास। तुम ऐसा नहीं कर सकते हैदर। मजबूरी है महमल। मजबूरी में किए गए सौदे हमेशा नाकाम होते हैं। कामयाबी में किए गए सौदे कौन से कामयाब होते हैं? झूठ दे रहे हो मुझे। नहीं, ये तो तुम्हारा काम है। जानती हो जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता तो वो सब्र करके बैठ जाता है, उसका दुख उसकी तकलीफ नहीं होती।
जब सब कुछ आपके बस में और तब भी आप वो हासिल ना कर सके तो कितना दुख होता है। इसलिए कह रहा हूं बार बार वार मत करो मुझ पे, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। मैं समेट लूंगी हैदर। नहीं महमल, फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहता। मैंने कहा ना शायद ना सकूं। शायद कह के तुमने अपने फैसले की कमजोरी का एतराफ खुद ही कर लिया। हमें उसने खाने से इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उसके आगे पीछे खाने ले लेके फिरने की। ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया उसने कि हम उसके इतने नखरे उठाएं, खाने पेश करें? भूख लगेगी ना, खुद ही खा लेगी, मरेगी नहीं। हैदर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आफिया, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। बैठो ना बेटा। जी। चाय बना के लाओ आफिया। जा। सब खैरियत है ना? जी। घर में सब ठीक ठाक है? बड़ा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। काम वाम कैसे चल रहा है? बड़े मसरूफ रहते हो गए तुम तो। जी। पानी पी लो। वो दिलनशीन से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाओ लेकर जाओ। आइए। दिलनशीन हैदर भाई आए। बुरा किया जो वादे पर एतबार किया। ये तुम्हें लगता है क्योंकि इस पूरी सिचुएशन को तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो। क्या इस सिचुएशन का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है? अगर आप मुझे किसी और के साथ किसी 5-स्टार होटल में देखते तो क्या आप भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते? नहीं शायद, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा सोचने ही नहीं चाहता कि मेरी बीवी शादी से पहले या उसके बाद इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ वक्त गुजारे। मैं क्या, बल्कि दुनिया का कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी का शादी से पहले या शादी के बाद कोई अफेयर। दिलनशीन, तुमसे शादी करने की बहुत बड़ी वजह यह भी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द हूं। गलती है मेरी, है मेरी गलती कि मैंने तुम्हें महमल के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
पर सच ये भी है कि मैं नहीं चाहता था तुम्हें किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटीज हो जब जब कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, बचाना चाहता था इन सब चीजों से। हर बार की तरह इस बार भी आपके पास अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी वैलिड रीजंस हैं। आई मस्ट से काफी अच्छे तरीके से लड़ते हैं आप अपना केस, मगर फिर भी फैसला सुनाने का हक अब भी मेरा है। तो क्या है तुम्हारा फैसला? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वजह? दिल। मेरा दिल नहीं मानता। आप भी तो अपने दिल की मानते हैं ना, तभी तो माँ के मना करने के बावजूद भी आपने महमिल की मदद की और आगे भी करते रहेंगे। दिलशीन, तुम बार बार महमिल को क्यों ला रही हो बीच में? मैं नहीं ला रही हैदर, आप महमिल को बीच में ला चुके हैं और ये बात आप नहीं मान रहे, तो फिर मैं क्यों मानूं आपकी बात? उसे सात दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसू बिखरी, वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते, रह क्यों ये फासले सदा दरमियां। आंटी इजाजत दीजिए। अरे नहीं बेटा, चाय पिए बगैर तो मैं जाने नहीं दूंगी। आफिया रोको ना चाय पी। हाँ। इतनी देर में दिलनशीन तैयार होगी ना, तुम एक प्याली चाय पी लोगे बस? नहीं एक्चुअली दिलनशीन नहीं जा रही है, वो रुकेगी कुछ। क्यों? मेरा मतलब है, मतलब सारी जिंदगी यहीं रहती रही है ना, और शादी के बाद मुनासिब नहीं होता लड़की का ऐसे रहना, उसे बस आना जाना चाहिए महके में। तो तुम उसे ना साथ लेकर ही जाओ, मैं कहती हूँ। नहीं नहीं, मेरी इजाजत से रुकी है वो। मैं जब दिलनशीन को लेने आऊंगा तो फिर आराम से बैठ के चाय पीऊंगा। इजाजत है, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। जब से दिलनशी घर आई है आप और यावर उसके पीछे पड़ गए, थोड़ा सा सुकून तो लेने दे उसे। अच्छा, उसको सुकून लेने दूं? इस हरकत के बाद भी क्या करूं, गले से लगाऊं, प्यार करूं, या बाजार से हार फूल मंगवाऊं उसके गले में डाल दूं? तुम कहो तो। देखो आफिया, अपनी जबान में समझा दो उसे अच्छी तरह से, वरना मैं यावर से कहूंगी उसे खुद छोड़ के आएगा। अच्छा मैं समझा दूंगी, अब रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए, तबीयत खराब हो जाएगी। Thank you.
साथ नहीं लाए उसे? नहीं आई, मना कर दिया उसने। नाराज होगी, मना लेना चाहिए था। कोशिश की थी, मानी नहीं। दिल से की होती तो शायद मान जाती, पर क्या करें, दिल कहीं और अटका हो तो रूठे को मनाना भी बोझ उतारने जैसा हो जाता है। परवाही नहीं होती कि रूठा मानेगा भी या नहीं। आप जानती हैं मुझे अच्छी तरह से, फिर ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? ठीक कह रहे हो, तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारी महमिल के लिए दीवानगी का भी इल्म है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है माँ, जैसा आप और दिलनशीन सोच रहे हैं। मैं उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी कजन है। ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। दिलनशीन को वापस मैं ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इस बात की जमानत देनी होगी कि तुम कभी नहीं पलटोगे। वादा करता हूँ नहीं पलटूंगा। पर वो तुम्हें अपनी बातों से तुम्हारी नजरों में खास कर देगी, इतना कि किसी देवता की तरह तुम खुद उसे पूजने की इजाजत दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जी बिंग साहबा, जरा हैदर की स्टडी से एक पेन और पेपर लेकर आओ। जी अभी लाई। आपको यकीन नहीं है मुझ पे कि ये सब कुछ आप मुझसे लिखवा रही हैं? कही बात से मुकरना आसान होता है, लेकिन इकरार जब लिखा हो तो ना नजरें झुटला सकती हैं और ना ही दिल। जो भी लिख रहे हो जबान से दोहराओगे तो दिलो दिमाग पे नक्श हो जाएगी। जी, मैं हैदर सलमान ये हल्फ उठाता हूं कि दिलनशीन के साथ कभी भी कोई ना इंसाफी नहीं करूं। अभी अधूरा है। ये भी लिखो कि ना तो महमिल के पास कभी लौट कर जाऊंगा और ना ही उसे अपना नाम दूंगा। लिखो। ना मैं कभी महमिल की तरफ लौटूंगा, ना ही कभी उसे अपना नाम दो। साइन कर। आई होप इसके बाद आपको और दिलनशीन को मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए। इसको अपने पास रखूंगी, खुदा ना करे कि कभी कोई ऐसा मौका आए कि तुम्हें तुम्हारा अहद याद दिलाने के लिए ये दिखानी पड़े। Excuse me. Thank you.
ये भी लिखो कि ना तो महमिल के पास कभी लौट कर जाऊंगा और ना ही उसे अपना नाम। मेरी कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लगाओगे? सोचा नहीं था मैंने। पहली बेल पे तुम्हारा फोन उठा लूंगा ऐसा कोई वादा भी नहीं किया था तुमसे। लहजे की कड़वाहट बता रही है कि बीवी को मनाने में नाकाम हो गए। हाँ नाराज है वो मुझसे, पर कल वापस लौट आएगी, उसका अपना घर है। दरबदरी का ताना दे रहे हो मुझे? नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि एक शादीशुदा औरत का मकाम उसका अपना घर होता है, उसके शौहर का घर। तो बन जाओ ना मेरे शौहर, दे दो मुझे वो मकाम जो लोगों की नजरों में इज्जत दिला दे मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी बचाने की बात कर रहा हूं। हैदर जिसको बचाने की कोशिशें की जाए उसे खत्म ही समझो। उसे खत्म मत करो मैमल, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसे सौ दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। लड़कियां बहुत ही जज्बाती हो गई हैं आजकल। बस ठीक कह रही हैं आप, बच्चे तो होते ही जज्बाती हैं। अब ये तो हम माओं के ऊपर है कि हम इनकी नासमझी को किस तरह समझदारी से लेके चलें। थैंक यू बेटा। भाई हमारी बहू को तो बुलवाइए। जाओ दिलेश को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। शुक्र है कि तुम नाराजगी भुलाकर आ गईं, वरना मैं तो सोच रही थी कि कहीं तुमने सलाम जैसे मरासिम भी ख़त्म तो नहीं कर दिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी। जी जी आओ बेटा यहाँ आओ। नाराज़ नहीं हूँ मैं आपसे। मुझसे तो नाराज़ नहीं हो, लेकिन बेटा तुम्हें हैदर से भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसका हाथ झटकोगी तो महमिल थाम लेगी। बेटा अपने घर को बचाना और मेरे बेटे की जिंदगी को बचाना अब तुम्हारे हाथ है। अगर उसका हाथ थाम लोगी तो सब समर जाएगा, वरना नहीं करोगी तो मैं शिकवा कर नहीं सकती। बेटा ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और जबरदस्ती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते कच्चे धागों की तरह टूट जाया करते हैं। और ये नुकसान अब मैं और मेरा बेटा सह नहीं सकते। मैं तुम्हें तुम्हारी सास नहीं मां बन के समझाने आई हूं। सुना है बेटियां बहुत जल्द मान जाती हैं। ठीक सुना है आपने। जीती रहो बेटा, खुश रहो।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जी जी हाँ बेटा, रखवा दिया था। दिलनशीन बेटा, अपनी जगह छोड़ने की गलती कभी मत करना। जरा देर नहीं लगती किसी को तुम्हारी जगह हथियाने में। जाओ शाबाश, आगे बैठो। दिलनशीन हैदर, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तुम आगे संभालो। क्यों मेरी माँ के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दी? सॉरी। घर चले। रूठने की इजाजत है तुम्हें, पर रूठ कर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पाबंद करने के साथ साथ आपको खुद भी मेरा पाबंद होना पड़ेगा। मैं पाबंद हूं तुम्हारा, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। जिंदगी यूं जज्बाती होके नहीं गुजारी जाती। दिलनशीन तुम हो। और मेहमान? वो कजन है सिर्फ। और आपकी पहली मोहब्बत भी? अकलमंद बीवियां तन्हाई में किसी दूसरी औरत का जिक्र नहीं करती। फोन आ रहा है आपका। सुन ले, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। किसको फोन करनी है? मामा, अंकल क्यों नहीं आए? बिजी होंगे बेटा। जब वो बिजी है तो हम उनके घर चलते हैं। आगे तुम्हारे Thank you.
कैसी हो? ठीक हूँ। खेल रही हो बैठ के? खड़ी क्यों है ताई अम्मी, आप बैठिए ना। मैं बैठने नहीं, तुम्हें साथ ले जाने आई। हैरत किस बात पे है, मेरे यहां आने पर या तुम्हें साथ लेके जाने पर? हिताई अम्मी, ना आपके आने पे हैरत है और ना ही मुझे साथ ले जाने पे। हैरत तो मुझे इस बात की है कि किस्मत इतनी जल्दी भी मेहरबान हो सकती है मुझ पर। अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली और आपके दिल में मेरे लिए जगह बना दी। रिश्ता ही ऐसा है, निभाना तो पड़ेगा, वरना भाई साहब से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। तुम आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस 5 मिनट, मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। नहीं, हैदर को नहीं बताती, उसके लिए मेरा घर वापस आना सरप्राइज होगा।